कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव सीताराम येचुरी का निधन हो गया। सीपीएम नेता ने 72 वर्ष की उम्र में दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। वो कुछ दिनों से एम्स में भर्ती थे। बताया जा रहा है कि येचुरी के फेफड़े में संक्रमण था। डॉक्टरों की टीम उनका कई दिनों से इलाज कर रही थी, लेकिन वो बचाए नहीं जा सके। पार्टी सूत्रों और एआईएम्स दिल्ली के हवाले से बताया कि येचुरी का काफी दिनों से इलाज चल रहा था, उनके फेफड़ों में संक्रमण था। येचुरी को 19 अगस्त को दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। उन्हें न्यूमोनिया और सीने में संक्रमण की शिकायत के बाद भर्ती कराया गया था। 72 साल के नेता को बाद में स्थिति बिगड़ने पर आईसीयू में भर्ती किया गया था। येचुरी का जन्म 12 अगस्त 1992 को चेन्नई में हुआ था। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की शिक्षा हासिल की थी। येचुरी ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा हासिल की थी। येचुरी के परिवार में उनकी पत्नी सीमा चिश्ती और 2 बच्चे। येचुरी के निधन पर पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने दुख जताया। मुफ्ती ने एक्स पर लिखा कि येचुरी के निधन की खबर सुनकर स्तब्ध हूं, उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूं। येचुरी 50 साल पहले सीपीएम में बतौर छात्र नेता शामिल हुए थे। वो लगातार 3 बार पार्टी के महासचिव रहे। गौरतलब है कि 2021 में येचुरी के पुत्र आशीष येचुरी का निधन कोविड के कारण महज 34 साल की उम्र में हो गया था। एम्स ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि येचुरी का 12 सितंबर को दोपहर 3:05 पर निधन हो गया था। एम्स ने बताया कि येचुरी के परिवार ने उनके शरीर को रिसर्च और पढ़ाई के लिए अस्पताल को दान कर दिया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।